तो दोस्तों आज का जो मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड ओडीआई जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, आज हम लोग जानेंगे कि इसका पिच रिपोर्ट क्या है, पिच के बारे में जानेंगे, प्लेयर के स्टेट्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा प्लेयर इस फील्ड पे अच्छा करेगा, यहाँ पर किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है बेहतर है वो हम जानेंगे। दूसरी चीज ग्रैंड लीग पर टीम का कॉम्बिनेशन बताएंगे। तीसरी बात कि प्लेयर जो है आज के मैच में कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, आज का मैच में कौन सा प्लेयर ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में दिखेगा, तो ये सब चीजें हैं। और भी जैसे ईडन गार्डन का जो पिच रिपोर्ट है वो बताता है, ईडन गार्डन का पिच क्या बताता है कि वो जो हालिया दिनों में जो मैच हुआ है ईडन गार्डन पे, तो उसपे क्या है ना कि बॉलर को भी मदद मिल रहा है और बैट्समैन को भी मदद मिल रहा है। लेकिन अभी जो है बहुत दिनों से जो मैच नहीं हुआ है इस फील्ड पे, तो इस मैदान पे जो मैच नहीं हुआ है, तो अभी क्या है ना कि फ्रेश विकेट यहाँ पर होने का पूरा संभावना है कि फ्रेश विकेट यहाँ पर नजर आएगा, यानी बैटिंग फ्रेंडली पिच नजर आएगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पर फास्टर को यानी पेसर्स को भी मदद मिलता है और स्पिनर को भी मदद मिलता है। क्या है दोस्तों कि यहाँ पर पेसर्स को भी मदद मिलता है और स्पिनर को भी मदद मिलता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो स्पिनर को भी ठीक ठाक विकेट मिल जा रहा है और फास्टर को भी ठीक ठाक विकेट मिल जा रहा है। लेकिन क्या है ना कि एडवांटेज जो है टोटली अगर बोला जाए ऑन द पेपर, एडवांटेज जो है वो बैट्समैन को ज्यादा मिलता है। तो वनडे का फॉर्मेट है, 50 ओवर का गेम है, यहाँ पर बैट्समैन को हम फेवर करते हुए टीम को बनाएंगे। और ग्रैंड लीग का जो टीम आज मैं बताने वाला हूँ, ग्रैंड लीग का दो टीम बताने वाला हूँ, दोनों टीम का कॉम्बिनेशन देखना है कि कैसा कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि पिछले जो मैच में हमने टीम बताया था उस टीम का जो ग्रैंड लीग का जो मेरा रैंक था बहुत अच्छा रैंक हम लोग का था, ग्रैंड लीग पे हमारी रैंक अच्छी भी की थी। तो दोस्तों आज भी जो मैं टीम बताऊंगा वो भी ग्रैंड लीग पे एक अच्छी रैंक ला सकते हो। आप थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाओ, क्योंकि ग्रैंड लीग पे मैं तो मैक्सिमम दो ही टीम यहाँ बताता हूँ, थोड़ा आप मैक्सिमम टीम लगाओ, 5 से 6 टीम लगाओ और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग पर बनाइए। तो ये क्या है ना दोस्तों कि और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगा, प्लेयर का स्टेट्स बताऊंगा, प्लेयर का परफॉर्मेंस बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर किस समय किस टाइम लेना है, ये मैं बताऊंगा। सबसे दूसरी बात क्या है ना दोस्तों कि ये जो पिच है, ये जो मैदान है, इस पे हमारा टॉस बहुत निर्भर करता है, यहाँ पर टॉस का बहुत मायने रखेगा, यानी टॉस पे बहुत ज्यादा निर्भर होगा मैच। यानी जो हालिया दिनों का जो रिकॉर्ड देखा गया, पिछला जो रिकॉर्ड देखा, तो पिछला रिकॉर्ड में दिखा कि जो टीम टॉस विन कर रही है जीत रही है वो टीम जीत रही है मैच। क्या देखा हमने, जो टीम टॉस को विन कर रही है वो पहले बैटिंग कर रही है, यानी शुरू में जो बैटिंग करना है वो आसान है थोड़ा। अगर सेकेंड बैटिंग देखा तो सेकेंड बैटिंग के तौर पे शुरू का जो बैटिंग है वो थोड़ा इजी है, यानी फर्स्ट जो बैटिंग करेगा वो टीम ज्यादा चांसेस रहेगा जीतने का, यानी सेकेंड में जो है वो विकेट गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी पिच का जो है पिच जो है थोड़ा स्लो हो जाता है सेकेंड मैच में। तो क्या करेगा दोस्तों, अगर इंडिया की टीम ने टॉस जीत लिया, टॉस जीत के अगर बैटिंग ली तो हम वहां पर फेवर करेंगे, बैट्समैन सेक्शन से ज्यादा फेवर करेंगे हम। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर श्रीलंका ने अगर टॉस जीता तो मैं श्रीलंका का बैट्समैन को ज्यादा फेवर करते हुए टीम बनाऊंगा। लेकिन क्या ना दोस्तों कि ऑन द पेपर अगर देखा जाए तो श्रीलंका की टीम वीक नजर आती है इंडिया टीम के सामने। अभी तो इंडिया का बहुत ही जबरदस्त फॉर्म चल रहा है दोस्तों, एक से बैट्समैन इंडिया टीम में, रोहित शर्मा का भी फॉर्म वापस आ गया है, उसके बाद सुमन गिल, पिछले मैच में देखे रोहित शर्मा सुमन गिल का स्कोर जबरदस्त रहा दोस्तों, उसके बाद किंग कोहली जो विराट कोहली है उन्होंने भी जबरदस्त शतक लगाया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है सारे प्लेयर फॉर्म में आ चुके हैं, तो ऑन द पेपर अगर देखा जाए तो श्रीलंका की टीम वीक कमजोर नजर आ रही है इंडिया टीम के सामने। तो इसी को देखते हुए दोस्तों टीम को बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, हम बताएंगे ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन, प्लेयर का, ये इंडिया स्क्वाड का 11 का, ये जो इंडिया टीम का जो 11 है ये है और श्रीलंका का जो 11 है ये है। चांसेस है दोस्तों श्रीलंका टीम में कुछ बदलाव हो सकता है और इंडिया टीम में कुछ बदलाव हो सकता है, चांसेस है कुछ बदलाव करने के चांसेस ज्यादा है। तो वो तो बात की बात है दोस्तों, जब टॉस होगा तो जब प्लेइंग 11 आ जाएगा तो उस समय मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि टीम का कॉम्बिनेशन देखना है, प्लेयर का स्टेट्स देखना है और वो प्लेयर जो प्लेयर उस फील्ड पे ईडन गार्डन के स्टेडियम में जो ज्यादा बेहतर करते हैं उस प्लेयर को ट्रम्प कार्ड जैसा यूज करना है। तो ड्रीम टीम का आज दो टीम बताऊंगा जो कि आज बेहतरीन टीम होने वाला है ड्रीम 11 में।
ये जो है ग्रैंड लीग का टीम वन हम लोग देखेंगे पहले। तो ग्रैंड लीग का टीम वन कॉम्बिनेशन क्या है? टीम वन, ग्रैंड लीग का टीम वन में हम लोग यहाँ से इंडिया टीम का प्लेयर देखते हैं। तो अगर मैं विकेट कीपर सेक्शन देखूं तो यहाँ से कुशल मेंडिस, श्रीलंका के स्क्वाड से कुशल मेंडिस जो है ये विकेट कीपर सेक्शन है। तो विकेट कीपर में यहाँ से श्रीलंका के टीम से कुशल मेंडिस और यहाँ इंडिया के टीम से केएल राहुल है। तो दोस्तों मैं ग्रैंड लीग का टीम बना रहा हूँ, सेफ टीम नहीं बना रहा हूँ, स्मॉल लीग का टीम नहीं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। रिस्क ये लेना होगा कि ये दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है। ऐसे भी दोस्तों केएल राहुल का जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा नीचे है, तो इसी को देखते हुए मैं ग्रैंड लीग का टीम वन में कुशल मेंडिस को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, इसलिए कुशल मेंडिस को मैं पहले ले रहा हूँ। कुशल मेंडिस विकेट कीपर सेक्शन से श्रीलंका टीम से मैं कुशल मेंडिस को ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बैट्समैन सेक्शन में आता हूँ। तो बैट्समैन सेक्शन में देखना है यहाँ पर रोहित शर्मा जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में भी देखा होगा बहुत ही अच्छे लय में रिदम में दिख रहे थे रोहित शर्मा। तो और दोस्तों रोहित शर्मा का जो उस पिच पे उस फील्ड पे जो रिकॉर्ड है ईडन गार्डन में वो जबरदस्त रिकॉर्ड है। यानी जब भी उस फील्ड पे खेले हैं तो अच्छा स्कोर किया वहां पर, यानी वहां पर इनका एवरेज जो है बेस्ट है, उस फील्ड पे इनका एवरेज बहुत ही अच्छा है। रोहित शर्मा को मैं यहाँ पर फिक्स रखूंगा, रोहित शर्मा। उसके बाद दोस्तों ओपनिंग करने आएंगे रोहित शर्मा और सुमन गिल, मैं यहाँ से सुमन गिल को भी लूंगा, सुमन गिल को भी लूंगा, दोनों ओपनर को मैं इंडिया टीम से लूंगा। अब यहाँ श्रीलंका टीम से मैं देखा जाए तो श्रीलंका टीम से पथुम निशंका और अविष्कार फर्नांडो ओपनिंग के लिए आएंगे। दोस्तों मैं इन दोनों में से किसी एक को लूंगा, तो मैं ज्यादा प्रायोरिटी पथुन निशंका को दूंगा, यहां से पथुन निशंका। ओके दोस्तों, अविष्कार फर्नांडो और पथुन निशंका में मैं पथुन निशंका को लिया। उसके बाद दोस्तों यहां से सी श्रीलंका और धनंजय डी सिल्वा। तो दोस्तों सी श्रीलंका भी बेस्ट प्लेयर है, यानी बेस्ट वो कर सकता है, कल के मैच में वो ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकता है सी श्रीलंका। तो सी श्रीलंका को नजर में देखते हुए मैं टीम बनाऊंगा, क्योंकि सी श्रीलंका जो बेस्ट प्लेयर, तो सी श्रीलंका को यहाँ पर मैं एक टीम में मैं रखूंगा सी श्रीलंका। ओके दोस्तों, उसके बाद इंडिया टीम से मैं फिर एक प्लेयर को लूंगा, तो या तो श्रेयस अय्यर होगा या फिर विराट कोहली होगा, तो मैं यहां से विराट कोहली को लूंगा। दोस्तों रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे विराट कोहली का सिलेक्शन परसेंटेज 95% से भी ज्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि मतलब विराट कोहली जो है नेक्स्ट मैच में भी शतक ही मारेंगे। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए बोलता है ना ग्रैंड लीग पे रिस्क लेना जरूरी है। तो विराट कोहली को मैं ले रहा हूँ, ये एक तरह से ग्रैंड लीग का सेफ सेफ साइड टीम बन रही है ये। उसके बाद और जो मैं टीम बताऊंगा वो ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल टीम होगा पूरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैटिंग सेक्शन का मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से हार्दिक पांड्या को लेके चलूंगा, हार्दिक पांड्या दोस्तों वो फिक्स प्लेयर रहेगा, हार्दिक पांड्या। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं ऑलराउंडर सेक्शन से या तो आप धनंजय डिसिल्वा या तो वरिंदू हसरंगा। दोस्तों धनंजय डिसिल्वा में एक चीज अच्छा है कि वो बैटिंग भी अच्छा कर ले रहे हैं, वरिंदू हसरंगा सिर्फ बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग नहीं कर पा रहे। तो इन दोनों में से मुझे बेस्ट लग रहा है अभी के टाइम में, यानी कल के मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर धनंजय डी सिल्वा हो सकता है। तो वरिंदू हसरंगा की जगह हम लोग धनंजय डी सिल्वा को ले सकते हैं, तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर कल साबित हो सकता है धनंजय डी सिल्वा, यानी डी सिल्वा। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं वरिंदू हसरंगा के साथ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इनका बैटिंग उतना अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है और मुझे लग रहा है कि धनंजय डी सिल्वा कल अच्छा स्कोर कर सकता है। ओके दोस्तों, रिस्क तो लेना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि वरिंदू हसरंगा का भी परसेंटेज जो है सिलेक्शन परसेंटेज वो भी काफी होगा और धनंजय का भी काफी होगा, लेकिन क्या है ना इन दोनों में बेस्ट मुझे कल के मैच के लिए धनंजय डी सिल्वा एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ यहाँ से बॉलर सेक्शन में, बॉलर सेक्शन में दोस्तों मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल, ये है इंडिया का बॉलिंग लाइनअप। दोस्तों यहाँ से चमिका करुणारत्ने, दयमुत विलंगना और कसुन रजिता और दिलशान मधुसंका, ये है श्रीलंका का बॉलिंग लाइनअप। दोस्तों इसमें से हमें तीन ही प्लेयर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखना है दोस्तों कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है और कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, इसको देखते हुए टीम को बनाना है। तो दोस्तों यहां से मैं एक काम करता हूँ, उमरान मलिक को मैं यहाँ फिक्स रख देता हूँ,
उमरान मलिक एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों उस पिच का बिहेवियर बताता है कि फास्ट को भी मदद मिल रहा है और स्पिन को भी मदद मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं उमरान मलिक को यहाँ फिक्स सकता हूँ। अच्छी तेज गति से बॉल फेंक रहे हैं और अच्छी रिदम में है, यानी रिसेंट हालिया फॉर्म अगर देखा जाए, रिसेंट का फॉर्म देखा जाए तो उमरान मलिक का वो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, तो उमरान मलिक को यहाँ पर मैं फिक्स रखा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी में से किसी एक को ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में से मोहम्मद सिराज के साथ चलूंगा, मोहम्मद सिराज के साथ चलूंगा सिराज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्पॉट खाली है, यहाँ से मैं श्रीलंका टीम से एक प्लेयर को लूंगा। तो चमिका करुणारत्ने क्या है ना, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गए चमिका करुणारत्ने, वो डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। अगर श्रीलंका पहले अगर बॉलिंग करे तो इनका डेथ में बॉलिंग करना तय है चमिका करुणारत्ने के लोग। इसका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम लोग इसको सिलेक्ट किया, लेकिन ये डेथ में बॉलिंग करता है, हो सकता है गुच्छे में विकेट ले ले, 3 से 4 विकेट ले सकता है, यानी ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकता है कल के मैच में। और यहाँ से मुझे एक ही प्लेयर अच्छा दिख रहा है, वो है कसुन रजिता, राइट आर्म फास्ट है, यानी इन दोनों में से मैं किसी एक को दूंगा तो मैं के कसुन रजिता के साथ जाऊंगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या और धनंजय डी सिल्वा, और यहाँ से उमरान मलिक, बॉलर सेक्शन में उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज और कसुन रजिता, और यहाँ पर अगर मैं कीपर सेक्शन में देखा जाए, विकेट कीपर सेक्शन में कुशल मेंडिस, उसके बाद बैट्समैन सेक्शन अगर देखा जाए तो मैं रोहित शर्मा के साथ फिर एक बार चलाऊं, क्योंकि रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और उसके बाद मैं सुमन गिल के भी साथ चलाऊं, क्योंकि इंडिया का दोस्तों बैटिंग लाइनअप मजबूत हो चुका है, यानी अगर ऑन द पेपर देखा जाए तो श्रीलंका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है ऑन द पेपर इंडिया। हालिया फॉर्म भी अच्छी है, यानी सुमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ओपनर को लेकर चला हूँ। उसके बाद मैं श्रीलंका की टीम से पतु निसंगा को लेकर चला हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं विराट कोहली को तो ड्रॉप कर नहीं सकता, क्योंकि ये चाहे स्मॉल लीग का टीम बनाओ चाहे आप ग्रैंड लीग का टीम बनाओ, विराट कोहली को तो लेके चलना पड़ेगा। पिछला दोस्तों मैच देखा होगा, विराट कोहली को मैंने कप्तान रखा था, क्या जबरदस्त इनिंग खेला विराट कोहली ने। तो दोस्तों विराट कोहली को मैं फिक्स रखूंगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों श्रीलंका की टीम बैट्समैन सेक्शन से मैंने सी असलंका को लिया, चरित असलंका को लिया है। दोस्तों इनका सिलेक्शन कम होते जा रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेयर है, कल का मैच में ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टीम वन हुआ, अब मैं टीम टू दिखाता हूँ दोस्तों। टीम टू क्या है दोस्तों, विकेट कीपर सेक्शन से मैं फिर से एक बार एक ही प्लेयर के साथ चलूंगा विकेट कीपर सेक्शन से। उसके बाद मैं बैट्समैन सेक्शन से तीन ही प्लेयर लेके चलूंगा बैट्समैन सेक्शन से। उसके बाद दोस्तों मैं ऑलराउंडर सेक्शन से चार प्लेयर लेके चलूंगा ऑलराउंडर सेक्शन से। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से मैं चार प्लेयर को लूंगा। उसके बाद दोस्तों बॉलर सेक्शन से मैं तीन प्लेयर लेके चलूंगा। ये भी दोस्तों, ये जो ग्रैंड लीग का जो टीम कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत कम लोग लेके चलेंगे, लेकिन आप ग्रैंड लीग पर तभी विन करोगे जब सबसे डिफरेंट आप खेलोगे। सबके साथ चलोगे तो ग्रैंड लीग पे विन नहीं हो सकेगा, इसलिए आपको डिफरेंशियल टीम बनाना है, डिफरेंट लेके चलना है, थोड़ा अपना भी लॉजिक लगाना है, क्योंकि प्रेडिक्टर का काम है बताना, लेकिन क्या है ना दोस्तों कि टीम आपको एनालिसिस करना है, सब चीज प्रेडिक्टर नहीं कर सकता, इसलिए आपको खुद से भी लॉजिक लगा के टीम बनाना है। ओके दोस्तों, तो मैं फिर से विकेट कीपर सेक्शन में मैं केएल राहुल के साथ इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर जो है काफी नीचे कर दिया गया है। 5 नंबर पर वो बैटिंग करने आते हैं, उससे पहले श्रेयस अय्यर का बैटिंग आता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इंडिया का जो विकेट गिरेगा वो 3 से 4 विकेट गिर सकता है, यानी केएल राहुल को अगर मौका भी मिलेगा तो बहुत कम चांसेस मिलेगा खेलने का, इसलिए मैं कुशल मेंडिस के साथ फिर से जा रहा हूँ, क्योंकि ओपनिंग आते हैं, कुशल मेंडिस अच्छे प्लेयर है दोस्तों। पिछला मैच में वो आउट हो गए थे 0 पे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अच्छा स्कोर कर सकता है। इसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो गया है, लेकिन ये प्लेयर बेस्ट है, इसलिए मैं कुशल मेंडिस के साथ फिर से जाना चाहूंगा, कुशल मेंडिस। ओके दोस्तों, विकेट कीपर सेक्शन हमारा कुशल मेंडिस, विकेट कीपर सेक्शन में कुशल मेंडिस को ले लिया। उसके बाद मैं बैट्समैन सेक्शन लेता हूँ, बैट्समैन सेक्शन
बैट्समैन सेक्शन दोस्तों, फिर से यहाँ पर मैं एक बार विराट कोहली को फिक्स रखूंगा, विराट कोहली को मैं फिक्स रखूंगा, मैं सुमन गिल के साथ इस बार नहीं जाने वाला हूँ। मैं विराट कोहली को फिक्स रख के फिर से एक बार रोहित शर्मा के साथ जाऊंगा। विराट कोहली को मैं फिक्स रखा हूँ, रोहित शर्मा के साथ गया हूँ, उसके बाद सुमन गिल को मैं ड्रॉप किया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहां से दोस्तों एक प्लेयर जो दोस्तों यहां से श्रीलंका की टीम से लेना है, तो दोस्तों किसको लेंगे एक प्लेयर, मैं यहां फिर से एक बार अविष्का फर्नांडो के साथ मैं जाऊंगा। दोस्तों अविष्का फर्नांडो का सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है, ये ओपनिंग आते हैं पतुल निसंगा के साथ, ये एक अच्छा प्लेयर है दोस्तों, तो मैं अविष्का फर्नांडो के साथ जाऊंगा। क्यों जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है, ग्रैंड लीग पे टीम बनाना है तो कम से कम 11 प्लेयर में से आपको 3 से 4 प्लेयर का जो सिलेक्शन परसेंटेज 20 से भी नीचे है उसको आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप ग्रैंड लीग पे अच्छी रैंक ला सकते हो। तो मैं अविष्का फर्नांडो के साथ जा रहा हूँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा प्लेयर है दोस्तों, इसके साथ में जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन, 4 ऑलराउंडर लेके मैं जा रहा हूँ इस टीम में, टीम टू में 4 ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर वन दोस्तों क्या रहेगा, ऑलराउंडर वन रहेगा हमारा हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को फिर से मैं मौका दे रहा हूँ, हार्दिक पांड्या दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या के बाद यहाँ से श्रीलंका की टीम से अगर देखते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मुझे वनिंदु हसरंगा को इस बार इस टीम टू में रखना है, तो वनिंदु हसरंगा के साथ जा रहा हूँ दोस्तों। वनिंदु हसरंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 स्पॉट खाली बचा हुआ है, यानी आप धनंजय डी सिल्वा के साथ जा सकते हो या चमिका करुणारत्ने के साथ जा सकते हो। दोस्तों यहाँ से अक्षर पटेल के भी साथ जा सकते हो आप, अक्षर पटेल को मैं लेके चलूंगा, अक्षर पटेल। इंडिया टीम से हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, श्रीलंका टीम से वनिंदु हसरंगा और धनंजय डी सिल्वा। यानी दोस्तों मैं इंडिया टीम से हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और श्रीलंका टीम से ऑलराउंडर सेक्शन में वनिंदु हसरंगा और धनंजय डी सिल्वा को लेके चला हूँ। अब दोस्तों बॉलिंग सेक्शन को हम देखते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर इंडिया टीम से बॉलिंग सेक्शन में उमरान मलिक है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शमी है, तेज गेंदबाज में मैं मोहम्मद शमी के साथ इस बार जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों उमरान मलिक के साथ मैं जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से कसुम रजिता को मैंने फर्स्ट टीम में लिया था, टीम वन में, मैं यहाँ से दिलशान मधुशंका के साथ जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये टीम टू है दोस्तों, यानी टीम टू में मैंने कुशल मेंडिस को लिया विकेट कीपर सेक्शन में, उसके बाद विराट कोहली को फिक्स रखा हूँ, रोहित शर्मा और दर्शन सनाका के साथ गया हूँ। उसके बाद अगर ऑलराउंडर सेक्शन देखा जाए तो हार्दिक पांड्या को फिक्स रखा हूँ, वनिंदु हसरंगा और अक्षर पटेल और धनंजय डी सिल्वा के साथ गया हूँ। दोस्तों विकेट बॉलिंग सेक्शन में देखा जाए तो मोहम्मद शमी के साथ गया हूँ, उमरान मलिक के साथ गया हूँ, दिलशान मधुशंका के साथ गया हूँ। तो दोस्तों ये था टीम टू। ओके दोस्तों, तो टीम का जो स्टेट है दोस्तों मैं बता रहा हूं, टीम थ्री जो आप लगाओगे, टीम थ्री में आप क्या करोगे, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना है, मैं बोल रहा हूं तो रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना। तो बहुत सोच रहे हैं तो पागल ही है, ऐसा नहीं दोस्तों, ये क्रिकेट है, क्रिकेट बोलता है अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए रोहित शर्मा को एक बार ड्रॉप करके देखना है। उसके बाद और अगर टीम लगानी है तो अगर 6 टीम का कॉम्बिनेशन आप लेके चल रहे हो तो उसमें विराट कोहली को भी एक टीम में आप ड्रॉप करोगे, 1 से 2 टीम में विराट कोहली को भी ड्रॉप करोगे। ग्रैंड लीग का टीम बनाने के लिए कॉम्बिनेशन करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद क्या है, जैसे मैं यहाँ से अविष्का फर्नांडो का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, फिर इसको किसी टीम में लेके चलोगे। मैं दोस्तों यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बता रहा हूं, कैप्टन और एंड वाइस कैप्टन, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। यहां पर दोस्तों 5 प्लेयर है जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में दिखेगा आपको मैक्सिमम। जैसे नंबर 1 पे है विराट कोहली, विराट
कोहली। उसके बाद नंबर दो पे आपको नजर आएगा हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज जो कैप्टन का है वो नंबर आपका विराट कोहली का नजर आएगा। उसके बाद रोहित शर्मा का भी नजर आएगा, रोहित शर्मा। उसके बाद दोस्तों यहां से 3 नंबर पे आपका यहां से दोस्तों आप इंडिया टीम से अगर पथुन निशंका को देखते होगे दोस्तों, अक्सर ये इंडिया टीम के खिलाफ अच्छा रन करते हैं। पथुन निशंका, पथुन निशंका भी यहां पर कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में दिख रहा है, पथुन निशंका। पथुन निशंका। उसके बाद दोस्तों यहां से मैं ऑलराउंडर सेक्शन अगर देखा जाए तो मैं हार्दिक पांड्या का भी अच्छा खासा, दोस्तों हार्दिक पांड्या का जो फॉर्म है दोस्तों ईडन गार्डन में वो जबरदस्त फॉर्म में है। क्योंकि दोस्तों रिसेंट फॉर्म अगर इसका पीछे का मैच देखा जाए तो वहां पर 5 विकेट लिए सिर्फ 2 मैचों में है। तो दोस्तों यानी कहा जाए तो 2 से भी ज्यादा विकेट ले रहे हैं पर मैच में, और बैटिंग का भी मौका मिलेगा दोस्तों, यानी कैप्टन का ये बेस्ट चॉइस है दोस्तों हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। उसके बाद दोस्तों अगर मैं देखा जाए, अगर मैं यहाँ बॉलर सेक्शन से अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करने आती है तो यहाँ पर डेथ ओवर में जो बॉलिंग करेगा यानी डेथ ओवर में मोहम्मद मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी में से कोई एक कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बॉलर सेक्शन से भी एक आप कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हो इंडिया टीम से, डेथ ओवर में, डेथ ओवर के लिए जो बॉलर है उसको आप रख सकते हो इंडिया टीम के लिए, इंडिया टीम के तरफ से। यानी दोस्तों अगर इंडिया टीम पहले बॉलिंग करे तो उसका एक बॉलर आप किसी भी बॉलर को एक कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो दोस्तों मैं यहां से अगर इंडिया टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उमरान मलिक के साथ जाऊंगा। ओके दोस्तों ये कैप्टन और वाइस कैप्टन है, यानी आप विराट कोहली को भी जा सकते हो, ये सेफ सेफ टीम साइड हो गया। उसके बाद रोहित शर्मा, ये इनका भी सिलेक्शन ज्यादा दिखेगा कैप्टनसी में। उसके बाद पथुन निशंका, उसके बाद हार्दिक पांड्या, उसके बाद उमरान मलिक। दोस्तों और एक कैप्टन का चांसेस बन सकता है वो है वनिंदु हसंगा, वनिंदु हसंगा। उसके बाद दोस्तों जो ग्रैंड लीग का जो बेस्ट कैप्टन का तौर पे हो सकता है दोस्तों वो धनंजय सिल्वा भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों धनंजय सिल्वा भी बेस्ट प्लेयर के, बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में देखा, कल का जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर में आपको धनंजय सिल्वा भी दिख सकता है। ओके दोस्तों तो ये था वाइस एंड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का जो नाम है दोस्तों, इसमें आप डिफरेंशियली अपने से रोटेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था ग्रैंड लीग का टीम। दोस्तों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग का दोनों टीम मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।